किसी ने क्या खूब कहा है, आदमी गलती करके सीखता है, आदमी गलती करके सीखता है, वो किसी और तरह से नहीं सीख सकता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको नए यूट्यूब चैनल सतरंगी ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 25 अप्रैल दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का परिवार जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे लेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा सूर्य भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहला कंजरू ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि हमेशा सेहतमंद रहने के लिए चाणक्य ने बातों का करें पालन। जी हाँ दोस्तों, आज चाणक्य ने मनुष्य के लिए कल्याण के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं। चाणक्य नीति शास्त्र में ऐसी कई नीतियां हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति सफलता की मंजिल को प्राप्त कर सकता है। स्वास्थ्य के विषय में भी उन्होंने कुछ विशेष बातें बताई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छी सेहत मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर व्यक्ति सेहतमंद है तो वह हर कामयाबी को पा सकता है, इसलिए हमें अपनी सेहत पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए हमारा खान पान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो इस प्रकार है। दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि भोजन न पचने पर पिया गया पानी औषधि के समान होता है। भोजन पचने के करीब आधे से एक घंटे बाद पानी पीना शरीर के लिए फायदेमंद माना गया है। भोजन के बीच में थोड़ा पानी पीना अमृत के समान माना गया है। वहीं भोजन के तुरंत बाद पानी का सेवन करना विष के समान होता है। चाणक्य कहते हैं कि सभी तरह की औषधियों में गिलोय प्रदान है, सब सुखों में भोजन प्रदान है और तात्पर्य किसी प्रकार का सुख हो लेकिन सबसे ज्यादा सुख प्रदान भोजन करता है। शरीर की सभी इंद्रियों में आंखें प्रदान और सभी अंगों में मस्तिष्क प्रदान होता है। दोस्तों आज चाणक्य के अनुसार अच्छी सेहत और निरोगी काया के लिए सप्ताह में एक बार पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए। इससे रोम छिद्र खुल जाते हैं और अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती है। मालिश के बाद स्नान करना बहुत ही फायदेमंद माना गया है। दोस्तों आएगा चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों करते हैं दोस्तों आगे पंचांग के बारे में। आय का पंचांग है 25 अप्रैल 2021 दिन रविवार। आय की तिथि है त्रयोदशी तिथि। आय का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। ऋतु चल रहा है ग्रीष्म ऋतु। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:52 पर। आय का शुभ समय है दोपहर 11:53 से दोपहर 12:45 तक रहेगा और आय का अशुभ समय है शाम 5:07 से 6:01 तक रहेगा। दोस्तों आय कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 8। अब बात करते हैं दोस्तों आय कन्या राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आय का दिन। आई जानते हैं कन्या राशि वाले, आय के दिन मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेलकूद को शामिल किया जाना चाहिए। अपने लिए पैसा बचाने का आपका ख्याल आय पूरा हो सकता है। आज आप उचित बचत कर पाने में सक्षम होंगे। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अपने अच्छे दोस्तों को बुलाएं। ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। दिन को खास बनाने के लिए स्नेह और उदारता के छोटे छोटे तोहफे लोगों को दें। कुछ लोगों के लिए आकस्मिक यात्रा दौड़ भाग भरी और तनावपूर्ण रहेगी। आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्किलों को आसान बना सकते हैं। आय आपका व्यक्तित्व लोगों को निराश कर सकता है, इसलिए आपको अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव करने की ज्यादा जरूरत है। दोस्तों आपके अंदर की निष्ठा और मनोबल के साथ साथ अहंकार बढ़ सकता है, जिसका परिणाम निजी रिश्तों पर दिख सकता है। हर एक परिस्थिति में नियंत्रण डालने की कोशिश आपको बेचैन कर सकती है, इस कारण आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। दोस्तों कार्य क्षेत्र में कुछ मामले उलझ सकते हैं। अपनी कार्य प्रणाली पर द्वारा विचार करें। सहयोगियों की सलाह पर भी अवश्य ध्यान दें। नौकरी पैसा लोगों को अचानक ही कोई शुभ सूचना मिल सकती है। पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे तथा घर का वातावरण भी सुखद और सौंदर्यपूर्ण बना रहेगा। पैसे के मामलों में सोच समझ कर फैसले लेंगे तो अच्छा फायदा हो सकता है। आपको बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग बन सकती है। सामाजिक तौर पर आपको कोई बड़ा मान सम्मान मिलने के संकेत हैं। मित्रों व कुछ पुराने परिचितों से मिलना संभव रहेगा। प्यार के मामलों में आपको खुशियां मिलने वाली हैं और आपके रिलेशनशिप में मजबूती आएगी। सारी चिंताएं छोड़कर आप खुशी के इन पलों को महसूस करेंगे। जो लोग लंबी बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें अपनी सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित रहना चाहिए। नौकरी पैसा लोगों को उनकी मेहनत का फल प्रमोशन व तरक्की के रूप में मिल सकता है। भाई बहनों व मित्रों का सहयोग आपको कार्य क्षेत्र में लाभ दिलवा सकता है। बिजनेस में आपके द्वारा किए गए प्रयास रंग ला सकते हैं। आर्थिक स्थिति को सरल करने के लिए आपके प्रयास तेज हो सकते हैं। अच्छा पैसा कमाने के लिए आप अपनी आय के स्रोतों को थोड़ा और फैलाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आय आपके मन में अच्छी भावनाएं रहेंगी और काफी हल्का महसूस करेंगे। आप बहुत ज्यादा दूसरों की बातों में आ जाते हैं। सावधान रहें। माता पिता के साथ बैठकर घरेलू कार्यों की रूपरेखा बनाएं। किसी कार्य में अनायास लाभ होने की संभावना। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो लोगों
लोगों को अपने पुराने संपर्कों को सक्रिय करने की जरूरत है। अपनी संगत से नशे से किसी रूप में जुड़े व्यक्ति को समय के साथ बाहर कर दें। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को रोमांस का अवसर मिलेगा। आपके लिए आज का दिन अच्छा है। दोस्तों की मदद से किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। यार दोस्तों से आर्थिक मदद मिल सकती है। व्यापार में सफलता मिलेगी। शिक्षा में रुकावट आ सकती है। पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। संतान से बात हो सकती है या किसी बात को लेकर आपकी उनसे नहीं बनेगी। परिवार का माहौल चुनौतीपूर्ण रह सकता है। गायत्री मंत्र का जाप करें। कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। अपने वैवाहिक जीवन को नजरअंदाज ना करें। आपका अपने जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। बिना सोचे बोलने की आदत आज आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। अस्थिरता आपके व्यवसाय में बाधा उत्पन्न करेगी। जो एक मुश्किल समस्या आपके सामने लाएगी उसे पनपने ना दें, बल्कि चर्चा के दौरान उसे सुलझाने की कोशिश करें। पैसे से संबंधित मुद्दों के प्रति सावधान रहें। विदेशी व्यापार से लाभ होने की मजबूत संकेत हैं। चिकित्सा निदान पर कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। आप फूड पॉइजनिंग से पीड़ित हो सकते हैं। खाने की आदतों में लापरवाही जटिल संबंधी परेशानी को जन्म दे सकती है। आहार में थोड़ा परिवर्तन करने से समस्या का हल किया जा सकता है। तो अपने विचार और मत अपने पास ही रखें। मानसिक स्पष्टता पाने के लिए आपको कुछ समय लगेगा। आवश्यक हो तभी यात्रा करें। अजनबियों के साथ अधिक मित्रता ना दिखाएं। चीजें आपके अपेक्षा के अनुसार काम नहीं कर रही है। निराश ना हो। दोस्तों किसी समाज सेवा संस्था के साथ जुड़ना और सहयोग करना आपको सुकून देगा। किसी निकट संबंधी के साथ चल रही गलत फहमियां दूर हो जाएंगी तथा आपसी संबंधों में सुधार आएगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। गुस्सा और आक्रोश जैसे नकारात्मक स्वभाव पर नियंत्रण रखें। वक्त के अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं। युवा वर्ग करियर संबंधी कार्यों में रुकावट आने से कुछ निराश हो सकते हैं, परंतु समय रहते समस्या का हल किया जा सकता है। दोस्तों कार्य क्षेत्र में कुछ मामले उलझ जाएंगे। अपनी कार्य प्रणाली पर द्वारा विचार करें। सहयोगियों की सलाह पर भी अवश्य ध्यान दें। दोस्तों स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु डायबिटीज और ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानियों में लापरवाही ना बरतें। नवम भाव में मंगल और राहु की उपस्थिति होने के कारण आपको थोड़ा स्वास्थ्य समस्या के प्रति संजीदा रहना होगा। आपको कमर या दर्द या जंगा में दर्द हो सकता है, कोई चोट भी लग सकती है, इसलिए सावधान रखें। बृहस्पति के छठे भाव में आ जाने से खान पान को लेकर आपको ज्यादा सचेत रहना होगा, क्योंकि ये समय रहते आपको लीवर या गुर्दे से संबंधित कोई समस्या दे सकता है। हालांकि समस्या ज्यादा बड़ी नहीं होगी, फिर भी उस पर ध्यान देना होगा, अन्यथा आने वाले समय में वो आपको परेशानी दे सकता है। तो दोस्तों ये था आएगा कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो सूर्य भगवान आपकी जरूर सिरेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहले आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यह आएगा राशिफल अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका दिन शुभ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।